जैसे कि यहाँ पे एक हमारे भाई बता रहे थे कि उनके घर का कुछ मसला है, घर का कोई प्रॉब्लम है, ऑफिसर के पास जा रहे तो वो ऑफिसर उनको उनकी नहीं सुन रहा, ऐसे और दूसरे भी काफी प्रॉब्लम्स है, पुलिस के प्रॉब्लम्स है, लोग एमआई वाले काम करके नहीं दे रहे, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, हर जगह जो जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, देखिए हर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपके कॉन्टेस्टेंट एमएलए जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज है, डिविजन प्रेसिडेंट आपके डिविजन का इंचार्ज है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस चीज को राइटिंग में लेके आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज के पास आइए और आपकी तकलीफ सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज को बयान कीजिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज के ताकत में है कि वो जब का जब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये जो है सो मेरे पास आ सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की रिटर्न ली हुई तकलीफ आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज के साथ बीसीसी प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई बड़ा मामला हुआ तो फिर हम सब मिलके अगर हमारी तकलीफ को दूर करना है और कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम हमारे लेवल पे या बीसीसी के लेवल पे नहीं केयर कर सक रहे तो फिर हम सब मिलके जाके चीफ मिनिस्टर साहब के पास बैठेंगे, वहां पे बैठ के बोलेंगे हम भी आपके लिए मेहनत करें, हम भी आपके पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे को भी मुखालफत चाहिए, हमारी भी सुनो। मगर हम ये बात अगर दिल में रख के बैठेंगे, खाली दिल में बात है, अगर आप लोगों के दिल में कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, तो सबसे पहले उस सवाल को निकालिए, लाइए आपके कॉन्स्टिट्यूशन इंचार्ज के सामने रखिए। ये जो सेंसेक्स का प्रोग्राम है ये अभी इस वक्त तेलंगाना हुकूमत के लिए एक मिसाल और इज्जत का सवाल है। जिस तरह राहुल गांधी जी और खड़गे जी की ख्वाहिश थी कि ये बीसी सेंसेक्स किया जाए, इसका भी प्रॉब्लम है, कुछ भी परेशानी है, पार्टी रिलेटेड, मोहल्ले के रिलेटेड, पुलिस के रिलेटेड, गवर्नमेंट के रिलेटेड, आप लोग बिल मुशाफा आप लोग आपके कॉन्स्टिट्यूशन इंचार्जों के पास जाइए और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि इनके प्रॉब्लम्स को राइटिंग में आपके लेटर हैंड पर ड्राफ्ट करके लेके आइए, देखिए कि हम ये नए शरह से सॉल्व कर सकते हैं या फिर कुछ इंसाफ के पास जाए। तो फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि कल से आप लोग इस सेंसेक्स के काम पे लग जाएंगे। ये सेंसेक्स की जो पीडीएफ है आप अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज के पास से या डिविजन प्रेसिडेंट्स के पास से उसको ले सकते हैं, डीसीसी के ग्रुप में ये दोनों भी ड्राफ्ट डाल दिए जाएंगे, तो आप लोग वहां से लेके इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और कल से इसके ऊपर जोरों शोर से काम पे लग जाइए ताकि 6 तारीख के दिन जब राहुल गांधी जी हैदराबाद आएंगे तो हम ये बताने में कामयाब हो कि देखो हम सबसे आगे। अगर वो लोग समझते हैं कि हैदराबाद में काम नहीं हो रहा, हैदराबाद पीछे है, और अगर ये रीजन है कि हमारे कुछ पोस्टों में, हमारे कुछ चेयरमैनशिपों में, डायरेक्टरशिपों में पीछे रखे, तो फिर हमारे पास एक मौका है कि बताओ हम किसी से पीछे नहीं है, हम सबसे आगे। तो अब मेहनत करके बताना है और इंशाल्लाह हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, बिस्मिल्लाह सब मिलकर रच करेंगे। शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश है कि इंद्रामा इल्लू कमेटी, इंद्रामा कमेटी जल्द से जल्द सबमिट कीजिए, और आप लोगों से भी जो जो इंद्रामा कमेटी के अंदर एज अ मेंबर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज से जल्द रब पैदा करिए।